आपको ज्योतिष पर विश्वास है? मेरा निश्चित रूप से मेरा विश्वास है इस पे, ज्योतिष पे, वास्तु पे, या ऐसा कोई शास्त्र जो जो कहीं ना कहीं गुरु विद्या से संबंधित है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ है। अगर हम बात करें ह्यूमन सिविलाइजेशन की, तो करीब करीब 15,000 साल हुए मानव सभ्यता को, और ये सब चीज़ें ना केवल पुरानी है बल्कि काफ़ी असर भी है, असरदार भी है। और इसका मैंने खुद मेरे निजी जीवन में मैंने इसका उपयोग किया है। इनफैक्ट मैं वास्तु और ज्योतिष की मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं और मेरा कार्यालय है थाना में, और इसकी स्टडी भी मैंने जो हमारे सर है अश्विन जी मेहता उनके द्वारा और उनके मार्गदर्शन पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, और वो जो टिप्स उन्होंने दी थी वो मैं आगे देता हूँ लोगों को। तो उससे देखो ना सिर्फ मेरे को बेनिफिट हुआ बल्कि जो हमारे जातक हैं, जातिकाएँ हैं, उनको भी इससे काफ़ी लाभ हुआ है। तो मेरा ये मेरी निजी है राय कि ज्योतिष है, वास्तु है, ग्रह है, गोचर ग्रह है, नक्षत्र है, और इनका निश्चित रूप से इसका फायदा नुकसान होता है। आप ये मानते हैं कि ये अंधश्रद्धा है या साइंस है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि चंद्रमा मेरे हानि में है, और जब जब मैंने चांदी का मैंने कड़ा पहना है, ऐसा एक नहीं दो नहीं चार बार ऐसा हुआ है, जब भी मैंने उसको पहना मैंने मेरा हमेशा नुकसान हुआ है, रिफेक्ट है। तो एक बार चलो कॉन्फिडेंस है या दो बार कॉन्फिडेंस है, लेकिन चार चार बार जो चीज़ हो गई है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ है। मतलब मेरे हिसाब से ये एक साइंस है। हाँ, इसमें कोई 100% कोई नहीं बोल सकता, लेकिन एक प्रोडिक्शन हम कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, और हमारे जो आने वाले समझो कि अच्छे दिन हैं या बुरे दिन हैं उसका एक हम अंदाजा लगा के उसका हम रेमेडी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये साइंस है, बल्कि मैं ऐसा कहूँगा कि विज्ञान नहीं बल्कि ये महाविज्ञान है, कि जहाँ पे विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहाँ से हमारा ज्योतिष और वास्तु स्टार्ट होता है। और वास्तु के बारे में क्या कह रहे हैं? डेफिनेटली देखो, वास्तु का संबंध भी ज्योतिष से है, क्योंकि उधर भी 9 ग्रह और इधर भी 9 ग्रह है, ठीक है। तो ये बेसिकली इन सबका जो बेस है, जिसे हम फंडामेंटल कहते हैं, वो ज्योतिषी है, क्योंकि वास्तु उसका एक छोटा सा पार्ट है उसका, जो कि आर्किटेक्चर से संबंधित है। क्या आपको लगता है ज्योतिष एक साइंस है? हाँ, जैसे कि मेरा जो पहले जो कथन था वो यही था कि ज्योतिष मेरे हिसाब से विज्ञान नहीं बल्कि महाविज्ञान है, और इसको एक नहीं इसको सैकड़ों बार बल्कि लाखों बार उस चीज़ को प्रूव किया है, उसको सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। ज्योतिष है या वास्तु है, आज आप देखो कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो देखो वास्तु के हिसाब से नहीं हो, आप देख लो वहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता, वहाँ से फाइटिंग होती रहती है। और आप देखो जो हमारी रायसेना हिल है, जहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक है और साउथ ब्लॉक है, वो पूरा जो यहाँ जब ब्रिटिश राज था, यहाँ पे जब अंग्रेज थे यहाँ पे, उन्होंने इसको बिल्कुल वास्तु के हिसाब से बनाया। तो आज आप कि जो भी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो नॉर्थ में, नॉर्थ जो कि हम कुबेर की दिशा मानते हैं, और सिमिलरली जो हमारा साउथ है यहाँ पे नृत्य है, वहाँ पे हमारा PM है, जहाँ से हमारा पूरा ये देश चल रहा है। कहीं ना कहीं ये शास्त्र है और ये सब कुछ इसको लोगों ने फील किया। अपना कोई पर्सनल अनुभव बताइए। मेरे तो पर्सनल बहुत सारे एक्सपीरियंस है ज्योतिष को लेके। एक मैंने ऑलरेडी मैंने आपको मैंने एक शेयर किया है, और भी है, जैसे अभी जो हमारे गोचर ग्रह हैं वो भी हम हमारे लाइफ में काफ़ी इफेक्ट करते हैं। रिसेंटली मैं डॉक्टर अश्विन जी के पास में आया था, मैं उन्होंने मेरे गोचर ग्रह देख के कहा था कि आपके आने वाले समय में आपका जो काम है आप अपने घर से ऑपरेट करेंगे, और लगभग वैसे ही हुआ कि मेरी जॉब थी वो मतलब वो कंप्लीट हो गई क्लोज, तो अभी मैं घर से करूँगा। तो मतलब ये चीज़ हकीकत में है ये, और गुज़िश्ता 7 या 8 सालों से इस चीज़ को मैं काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ है और मेरे लिए तो मैं तो उसको मानता हूँ। और इसके अंदर ये भी एक चीज़ है कि नावाडेज जो यंगस्टर्स है वो पहले बिलीव नहीं करते थे ये सब चीज़ में, लेकिन जब भी उनको पता चला कि यू नो लाइक दिस इज रिलेटेड टू साइंस एंड इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट, सो दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एंड दीज थिंग्स, सो दैट इज ऑल्सो कंटिन्यू।
हमारी जिंदगी में कितने हद तक वास्तु सपोर्ट है, वास्तु और ज्योतिष ग्रह सपोर्ट अगर जैसा कि अगर मान लो कि अगर आपकी महादशा अगर अच्छी है और अगर वो प्लैनेट आपको अगर फेवर कर रहा है तो डेफिनेटली वो जो टाइम वो जो काल होगा वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा। और अगर मान लो वो अगर महादशा आपके लिए अच्छी नहीं है तो फिर हो सकता है वो काल आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, आप उसमें स्ट्रगल हो आपके लिए, तो ये असर करता ही है। वास्तु में बोलेंगे तो वास्तु में बहुत कुछ ऐसे रहते हैं कि आपको मालूम नहीं होती हमको क्या कैसा क्या करना है कैसा, तो उसके लिए गाइडलाइन देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बिना अभी मेरे को ये कुछ गाइडलाइन नहीं थी, मैं जब कंप्यूटर लगाया था उसमें जो जॉब आना था वो फेल हो गया। मैं कंधा के एक दिन ऐसा बैठा था साहब जी के पास, बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, वो बोले चलो ठीक है देखते। तो देखा जिस दिन मैं शिफ्ट किया उस दिन से जो मेरा चालू हो गया तो आज तक चालू है, तो कभी ऐसा हुआ ना कि जॉब बनाया और फेल हो गया। तो मतलब वो अच्छा इफेक्ट किया, अच्छा इफेक्ट वास्तु में दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण है, दिशा भी है आपका, जो पर्टिकुलर जगह भी इम्पोर्टेंट है और आप कहाँ बैठते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए गाइडलाइन जरूरी है। सब चीज़ आपने को मालूम नहीं होती, कोई ना कोई तो गाइडलाइन चाहिए अपने को, वो उस सबसे ज्योतिष बहुत मायने रखते हैं। वास्तु और ज्योतिष के अंदर कॉम्बिनेशन इस तरह से है कि एक बार मैं देखा था कि कुंडली के हिसाब से उनका पीरियड बहुत अच्छा चल रहा था, फिर भी उस बंदे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो मैंने उनको सलाह दिया कि मुझे आपका घर का विजिट करना है। मैंने घर का विजिट किया तो मुझे पता चला उसके घर के अंदर जो दो बड़े मेजर प्रॉब्लम थे, एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर सनस बाथरूम आ चुका था और साउथ वेस्ट के अंदर भी जिसको बोले ना कि किचन आ चुका था, तो ये जो मेजर प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से उसके अच्छे पीरियड भी उसको काम नहीं आए। मैंने उनको सलाह दिया, मगर अच्छी बात ये थी कि उसमें वो रेंट पे रहते थे। मैंने बोला तुरंत अगर जो 11 महीना खत्म हो जाता है आप तुरंत ये रूम को बदली कर दो, आपका पीरियड अच्छा है आपको उसका लाभ मिलना ही चाहिए। बरोबर उन्होंने अपने टाइम टू टाइम पीरियड पे उनका जैसे उन्होंने रूम चेंज किया उनको उनके समय के अनुसार उनको लाभ मिलना चालू हो गया। तो वास्तु और ज्योतिष ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी बिना एस्ट्रोलॉजी के बिना वास्तु भी नहीं देख सकते हो, वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी देखना भी जरूरी हो जाता है यहाँ पे। यानी हम समझते कुंडली के अंदर अच्छा समय चल रहा है मगर फिर भी उसको फायदा नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसके घर के अंदर वास्तु दोष होगा ही, तभी उसको उसका उसको पूरा फल नहीं दे पा रहा है। तो ये दो चीज साथ में लेके चलेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जो नवग्रह के जो पत्थर होते हैं स्टोन होते हैं वो कैसे अपने ऊपर उसका प्रभाव आता है, प्रभाव पड़ता है? हाँ ज्योतिष में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है? ज्योतिष में इसकी इम्पोर्टेंट ऐसे है कि जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें देखता है, हमको चेक करता है, जैसे हमको कोई प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे हमारे बॉडी के अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है कि भाई कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर वो हिसाब से वो दवा का प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि आपको ये दवा लेनी चाहिए तो आपको ठीक हो जाएगा। सिर्फ जैसे वैसे ही ज्योतिष के अंदर है कि आपकी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह की कमजोरी है जो आपको फेवरेबल होने के बावजूद भी आपको वो आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो ग्रह का जो नंग वो हिसाब से ही काम करता है, जैसे डॉक्टर एक दवाई का आपको सजेशन करता है, अगर जो आप उसको बरोबर ज्योतिष अगर देख के आपको नंग सजेस्ट करता है तो डेफिनेटली आपको वो दवाई की जैसा काम करता है और आपको बहुत ही आगे वो लेके जा सकता है। इस तरह से आप नंग को पहन सकते हैं। ये प्रकाश भाई ने बहुत अच्छी बात कही, अभी मैं इसको और आगे ऐड करता हूँ। ये बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा जो पूरा सिस्टम है सोलर सिस्टम, ठीक है, तो इसमें जितनी भी ग्रह है इन सारे ग्रह की कॉस्मिक एनर्जी आती है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग FM रेडियो या हम जैसे मोबाइल को हम करते हैं यूज, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो मोबाइल है या FM रेडियो ये तो कहीं ना कहीं अपने सैटेलाइट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हम जैसे FM अगर यूज करते हैं तो हम लोग जैसे एंटीना अगर तान देते हैं, ठीक है, तो वो उसकी फ्रिक्वेंस पकड़ता है। उसी प्रकार से कुंडली को देखने के बाद एक अच्छा ज्योतिषी आपको रेकमेंड करेगा कि भाई आप येला स्टोन ले लो, येला आप जेम स्टोन ले लो। तो उसके पीछे फंडा यही है कि जो हम स्टोन पहनते हैं तो वो उस स्टोन जो है वो उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है, और वो फिर फ्रिक्वेंसी कैच करता है। तो अगर मान लो वो फेवरेबल है तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में
चीजें फेवर करता। तंत्र मंत्र और यंत्र, इसका ज्योतिषी के साथ क्या संबंध है? क्या यंत्र प्रभाव करते हैं हमारे ऊपर? प्रभाव के बारे में अगर आप पूछें तो वो सब करते हैं, लेकिन जानकारी जो ज्योतिषी है आपको जो बताएगा, जो जानकारी देगा और उसके लिए समझ आई, वो ज्योतिषी आपको बता सकता है, समझा सकता है, क्योंकि ये भाषा जो है वही समझा सकता है। और बहुत अच्छी है ये ज्योतिषी के हिसाब से, बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन जिसको मालूम रहेगा वो उसका बताएगा, उसको फायदा देगा और उसके ऊपर अगर वो अमल करेगा तो वो हिसाब से उसको आगे फायदा बढ़ेगा। देखिए जहाँ तक सवाल है तंत्र का, मंत्र का और यंत्र का, तो ये तीनों चीजें इसका हमारे शास्त्र में उल्लेख है, ठीक है। तंत्र बेसिकली, एक लोगों में भ्रांति है कि तंत्र बेसिकली नेगेटिव चीजों के लिए या काली विद्या के लिए यूज किया जा रहा है, ये बात पूर्णतया सत्य नहीं है। तंत्र को हम पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो कि वो सिचुएशन क्या है। मंत्र ऑफकोर्स, मंत्र को बहुत सारे अच्छे जो ज्योतिष होते हैं वो आपको बोलेंगे भी कौन सा मंत्र आपके लिए फेवरेबल है। वो मंत्र को जब हम चैंट करते हैं तो उसका हमको डेफिनेटली उसका फायदा होता है, तो मंत्र भी हमारे लिए काफ़ी है। और यंत्र बेसिकली क्या है, यंत्र मतलब मशीनरी। तो कोई भी अच्छा वास्तु शास्त्री और ज्योतिष है, वो आपकी कुंडली या आपका प्रिमाइज देखने के बाद में आपसे ये कहेगा कि भी आप फला फला यंत्र आप लगा लो। मान लो कि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपसे कहेंगे कि भाई बृहस्पति का यंत्र या गुरु का यंत्र लगा लो। तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे कुछ अगर डैमेज है तो गुरु का यंत्र लगाने से तो वो जो वहाँ पे जो त्रुटि है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रिपेयर हो जाती है। तो ये निश्चित रूप से यंत्र, तंत्र और मंत्र का डेफिनेटली ये एक मतलब ये फायदा करता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अनुसंधान किया है, और ये सारी चीज़ें हमारे मानव कल्याण के लिए हैं। तो मेरे ख्याल से इसका जितना भी आप अगर फायदा उठाओ उतना अच्छा है। इसके बारे में मैं यही कहूँगा, जब जब मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी लड़की के जो गुस्सा प्रॉब्लम हो गई थी, तब मैंने साहब से आके साहब से पूछा था उसके बारे में, तो साहब ने मुझे बताया कि उनके जो एक विधि थी, विधि करने के बाद और कई दिन के बाद उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सब पूरी तरह सॉल्व हो गया, वो अभी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही है। ज्योतिषी एक ऐसा रास्ता है जिससे कमजोर इंसान को ताकत मिलती है आगे चलने के लिए, उसे हिम्मत मिलती है, उससे जानकारी आती है कि हम लोग किधर गलती कर रहे हैं, तो इंसान जो है कमजोर हो जाता है और ज्योतिषी से उसको हिम्मत आती है, आगे वो चलता है और उसका रास्ता निकालता है और वो कामयाब हो जाता है। मतलब ज्योतिष एक डॉक्टर के जैसा काम करते हैं, डॉक्टर की सलीका ही काम करता है, डॉक्टर से भी अच्छा काम करता है, क्योंकि ये बहुत सी बीमारी है जो डॉक्टर आपको इलाज नहीं होता, लेकिन ज्योतिषी को मालूम पड़ता है। आज हम गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी के इधर आए हैं ताकि आगे का जो वक्त है हमारा, जो आगे का जो कार्य है अच्छी तरह से निभाए, उसके आशीर्वाद देने के लिए हैं, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग को अश्विनी मेहता से बहुत कुछ फायदा पड़ा है। जब भी हम लोगों को कुछ तकलीफ आती है हम इधर आते हैं, हर एक सवाल का जवाब मिलता है और हम लोग हिम्मत से आगे बढ़ते हैं और वो तकलीफ से निकल जाते हैं। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा है, फिर से एक बार आए हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए कि आगे जो रास्ता है सरल हो जाए। अंकल जी के वजह से हम थैंक यू बोलते हैं उनको। काफी ऐसे घर के कार्य जो नहीं हो सकते हैं, अंकल से मिलने के बाद हमें काफी आत्मबल बढ़ता है, विश्वास आता है। काम पता है होगा नहीं होगा बात की बात है, पर अंदर से जो डिटर्मिनेशन निकलता है उस वजह से, तो फिर बोला गया है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, फिर वहां से अंदर से आवाज आती है नहीं अभी ये हो सकता है। अंकल से हम बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं, हम उसके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम लोग कुंडली से भी जान सकते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर कौन सी बीमारी हमें आ सकती है, क्या चीज़ की तकलीफ हो सकती है, तो उससे भी हम निदान कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगा। मेडिसिन से भी हो सकती है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो चीज़ हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बेस पे भी देख सकते हैं, जैसे मंगल खराब होना तो ब्लड के कनेक्टेड के प्रॉब्लम्स आएंगे, कहीं सूर्य और बुध कुंडली के अंदर अगर जो है साथ में मंगल के असर के तो स्किन की एलर्जीज या उसके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।
अगर जो अष्टम में कोई पापी ग्रह बैठे होंगे तो पेट के या ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऐसे बहुत कुछ चीज हम लोग कुंडली पे से देख के बता सकते हैं कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम हो सकता है बिना उसे पूछे कि आपको ये प्रॉब्लम होगा, वो डेफिनेटली बोलेगा हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उससे हम लोग कुंडली के ऊपर से ग्रह खराब है, हम उन ग्रह की अगर जो हम लोग सुधार देते हैं, उसकी अगर जो रेमेडीज कर देते हैं, तो बिना डॉक्टर के पास जाए उस चीज की हम लोग रेमेडीज करके उसको हेल्थ को सुधार सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतनी ताकत है कि हम बिना डॉक्टर के पास जाके भी अगर जो अच्छी तरह से उसको प्रेडिक्ट किया जाए तो उसका इलाज हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी हम लोग उसको मेडिसिन हम लोग बना सके, उसको अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जिसके पास जन्म पत्री नहीं हो तो उसके लिए क्या है? जन्म पत्री नहीं हो तो भी हम लोग एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। जैसे जनरली बात करते हैं तो हम पूछ सकते हैं कि आप लोग के भाई के साथ कैसा चल रहा है, बहन के साथ आपका व्यवहार कैसा है, पिताजी के साथ कैसा है। हर ग्रह एक हमारे परिवार के किसी न किसी सदस्य के साथ मिला हुआ है। जैसे सूर्य को पकड़े तो हम समझ सकते हैं पिता के साथ है, मंगल को भाई के साथ हम कर सकते हैं, बुध को हम बहन के साथ मासी के साथ कर सकते हैं, गुरु को हम दादाजी के साथ कर सकते हैं। ऐसे हर एक एक ग्रह है जो हमारे परिवार के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट है बिना कुंडली देखे। अगर जो हम खाली उनके साथ सवाल जवाब करते हैं उससे भी पता चल जाएगा कि इनकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह है जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अगर सामने वाला बोल देगा मेरे मेरे भाइयों के साथ नहीं जमती है तो डेफिनेटली उसकी कुंडली में मंगल खराब है। अगर जो उसके कामकाज के अंदर डिस्टर्बेंस आ रहे हैं तो उनके कुंडली के अंदर सूर्य कहीं ना कहीं डैमेज होगा ताकि उसको कामकाज के अंदर दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से चंद्रमा अगर जो खराब है तो वो अपनी माता के साथ उसका प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसका मन विचलित रह सकता है। तो उसके ऊपर से भी हम लोग एक ऐसी कुंडली बना सकते हैं ताकि सामने वाले को हम लोग उसके ऊपर से भी हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं। फिर भी एक प्रश्न कुंडली का एक प्रावधान है जिसके ऊपर से भी हम लोग सामने वाले के मन में क्या सवाल है वो भी हम जान सकते हैं और उनके ऊपर से भी हम उनका उनको रास्ता दिखा सकते हैं। अगर जो किसी के घर के अंदर कुंडली नहीं है, अगर जो भाई की कुंडली नहीं है तो अगर उसके बहन की कुंडली है, उसकी माताजी की कुंडली है, उसके ऊपर से भी हम परिवार में से किसी के ऊपर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ज्योतिष के अंदर इतना सारा ज्ञान है कि हमको खाली देखने आना चाहिए। जो मेहता साहब बहुत अच्छी तरह से देखते थे, पहले तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे सिर्फ ऐसा ही लग रहा था कि मेरी कुंडली से सिर्फ मैं अपना ही देख सकता हूँ। मगर जब इनके पास आया तब मुझे पता चला कि मेरी कुंडली से मैं अपना तो ठीक, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का, मेरी माता का, मेरे पिता का, मेरे भाई का, मेरी बहन का, सबका प्रिडिक्शन मैं एक ही कुंडली से कर सकता हूँ किसी के बारे में। ये चीज मेरे को सबसे पहले इनसे जानने की मिलना है। यानी ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है, आप जितना भी इसके अंदर घुसोगे कम ही कम है। सागर अपना अनुभव बताइए ज्योतिष के बारे में। अश्विन भाई मेहता को हम लोग करीबन 20 साल से जानते हैं। It was the time actually when I lost my dad and I had no faith thereafter on all these things. Ashwin Bhai Mehta, sorry, but Ashwin Bhai Mehta ne kafi guidance diya. Always wo bolte the ki ye cheez dhyan rakhni hai, aisi dhyan rakhni hai, us tarike se dekhna hai. But pata nahi, there was some or the other reason I lost confidence because I lost my dad. But after a gap of 12 years I came back to him and there were certain problems. मेरे घर में problems थे, relations काफ़ी सारे issues थे. I took his advice. I was very happy that no and yes I was convinced कि नहीं ये this is a fact and it has an impact in the life and he gave a very good guidance and I should say that Ashwin Mehta is a great person. He's precise. He is very accurate and his advice has helped us all a lot. So I should say that everyone should take his advice and it's really great. मला सांगायचं म्हटलं तर गेले 12-13 वर्षापासून मी ज्या ज्या वेळेस मला अडचणी आल्या त्या त्या वेळेस मी मार्गदर्शनासाठी मित्र साहेबांकडे येतो. मी आज नोकरी करत असतानाही एक मराठी माणूस गुजराती मारवाडींच्या खांद्याला खांदा लावून एकटा 48 गाळ्यामध्ये स्वतःचा धंदा उभा करून तिथे आज मी या सर्वांबरोबर
ताट मायाने व्यवसाय करतोय हे निवड मेहता सरांच्या मेहरबानीमुळे आमच्या इथे इंडस्ट्रीमध्ये 48 गाळ्या आहेत. त्या 48 गाळ्यामध्ये फक्त मराठी व्यवसाय हा मी एकटाच आहे. मी आयुमाने सांगतो की हे सर्व करत असताना बऱ्याचशा संकट येतात, बऱ्याचशा अडचणी येतात, पण त्या अडचणीमध्ये मात करण्यासाठी जी ताकद लागते, जे मार्गदर्शन लागतं, ते मार्गदर्शन संपूर्णतः मेहता सरांनी दिलेलं आहे. आजही मी परवा 4 दिवसापूर्वी एक नवीन मशीन घेतली, त्यावेळी सुद्धा त्यांचं मार्गदर्शन घेतलं होतं. या मार्गदर्शनामुळेच हे सर्व शक्य झालेलं आहे, अन्यथा झालं नसतं. मी एक सरकारी कर्मचारी सुद्धा आहे, एक व्यावसायिक आहे, आणि हे सर्व करत असताना माझी तारेवरती कसरत असते, पण हे करत असताना माझी शारीरिक जी झीज होते ही फार मोठी होते. आणि ही झीज होत असताना मी त्यांचा जो मार्गदर्शन घेतो, हा मुलाचा मार्गदर्शन, त्याचबरोबर त्यांची जी सांगण्याची पद्धत ही खूप अफलातून आहे, आणि त्याबद्दल त्यांचा किंवा मी धन्यवाद मानतो आणि ईश्वरच्या प्रार्थना करतो त्यांना दीर्घायुष्य लाभो, आणि गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने मी त्यांचा आशीर्वाद घेतो. धन्यवाद. ज्योतिष हे जो विषय है इसको आप शास्त्र की माध्यम से ही जाने, ना कि अंधश्रद्धा मान लें इसको. जो आपको आपकी बुद्धि को आपके दिमाग को जो लगता है उसी से आप उसका फॉलो. और बहुत जनों को देखा है मैंने कि ज्योतिष है जो काफ़ी फ्यूचर में बहुत हेल्प करता है इंसान को, कैसे स्ट्रक्चर करनी है अपनी लाइफ, कैसे पर्सनल ग्रोथ करनी है, कैसे क्या करनी है. ज्योतिष में इंसान ना ही सिर्फ कैसे लाइफ में क्या करना है भाई वही नहीं, पर बिहेवियर कैसा होना चाहिए. और ज्योतिष में आने के बाद मैंने जाना है कि जैसे उन्होंने बताया कि चंद्र हमारी माता है, सूर्य हमारे पिता है, तो ज्योतिष के जानने के बाद मैंने काफ़ी अपने रिलेशन इम्प्रूव किए हैं. ताकि ऐसे नहीं है कि स्वार्थ नहीं है कि ऐसे, पर ऐसा है कि फ्यूचर क्यों अपना बर्बाद करना है, जब आप प्रेजेंट में कुछ करके अगर फ्यूचर सुधार सकते हो तो ज्योतिष से ही कर सकते हैं. फ्यूचर में आप जान लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, लाइफ के हर फेज में, एजुकेशन हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सब जगह आपको पता चलता है कैसे बिहेव करना है क्या नहीं करना. सो मेरे हिसाब से मेरे लाइफ में तो गुरु है जो अंकल के आशीर्वाद से. नेताजी गुरु है. ये गुज़िश्ता कई सालों से एक भ्रांति फैली हुई है समाज में कि साहब ये अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक विधेयक भी लाया हुआ है. ठीक है, मेरा यहाँ पे ये मानना है कि हो सकता है कि साहब इस फील्ड में कुछ ऐसे ज्योतिषी हैं या जो वास्तु की जो ज्ञाता हैं, वो लगता है ऐसे कुछ लोग हो मुट्ठी भर जिन्होंने शायद गलत कार्य किया हुआ. ठीक है, लेकिन उसके लिए सारा एक शास्त्र को आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि इसको आप एज अंधश्रद्धा मत दीजिए. ये बेसिकली आपको लाइफ में करेगा गाइड, आप एक बार इसको इस्तेमाल कीजिए, आप ये बेसिकली गाइडेंस है और इसको आप फॉलो कीजिए. आप जिस भी आप ज्योतिष को अप्रोच करें, आपको वो अगर कोई भी रेमेडी अगर देगा तो वो रेमेडी को आप सीरियसली आप उसको फुलफिल कीजिए, उसको आप कीजिए. आप कई बार ऐसा होता है कि आपको ज्योतिषी ने बोल दिया कि भाई आप ओम रा राहु नमः का जाप कीजिए आप. ठीक है, तो आपने 3-4-5 दिन कर लिया, उसके बाद आपने बंद कर दिया, तो साहब वो 3-4-5 दिन जब भी फेर एंड लवली दे नहीं साहब लगाया कि बंदा गोरा हो गया, ऐसा तो है नहीं. इसमें इसमें क्या चीज़ें करनी पड़ती, पुरुषार्थ जो है वो करना पड़ता है. ठीक है, आपको एफर्ट लेने पड़ते हैं. और ये है कि मेरा खुद का ऐसा मानना है कि ज्योतिष और वास्तु या इस तरह के जो हमारे शास्त्र हैं ये बड़े अनमोल है, और ये कोई मतलब फेक नहीं है, बल्कि ये सीरियसली ये रिजल्ट ओरिएंटेड है. इसका मैंने भी लाभ लिया है और मैंने भी आगे लोगों को रेकमेंड किया है, और हमने उन चीज़ों को फॉलो किया जो हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर मेहता साहब, उन्होंने हमको जो बोला है हमने वो टिप्स को किया फॉलो, हमने आगे दिया है. तो जिस तरह से हमको हुआ फ़ायदा और जिस तरह अन्य लोगों को फ़ायदा हुआ, तो हम चाहते हैं कि शास्त्र के माध्यम से हमारे भारतवर्ष के और हम कहते विश्व में जितने भी लोग हैं सबको इसका फायदा हो. धन्यवाद. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई यूनिवर्सिटी भी ये शास्त्र करके जो साहब बोले शास्त्र, उस शास्त्र के साथ से ज्योतिष को भी इंक्लूड करने को सोचा है. मुंबई यूनिवर्सिटी भी अभी नेक्स्ट ईयर में शायद ज्योतिष शास्त्र के नया सब्जेक्ट लॉन्च हो रहा है,
सर मेरे को सुनने को है और शायद गवर्नमेंट ने डिक्लेयर भी किया है मुंबई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी वास्तु वास्तु और ज्योतिष ये सर्टिफिकेट कोर्स चालू कर रहे हैं। अच्छी बात है, ऐसा होता अच्छी बात है। मैं आपको ज्योतिष के बारे में मेहता साहब के लिए कहना चाहूँगा, जब मैं पहली बार मेहता साहब को मिला था उस वक्त मैं एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो वास्तु करने आए थे और मुझे उनको घर पे छोड़ने के लिए कहा गया था। तब मेरे पास स्कूटर था। जब रास्ते में हम लोग आते थे पूछा कहाँ रहते हैं तो मेरे घर के बाजू में उनका घर था। तब मैंने ऐसे ही जानने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा क्या है तो मैंने अपने बच्चे के लिए पूछा उनसे कि मेरा बच्चा बहुत मस्ती करता है, मेरा सवाल एक ही था। तो उन्होंने ना पहला ही मेरा इंट्रोडक्शन था, ना वो मुझे जानते थे ना मैंने उनको जानता था, सिर्फ मुझे इतना मालूम था कि ज्योतिष भी जानते हैं और वास्तु भी जानते हैं। तो मैंने ऐसे ही सवाल किया रास्ते में चलते चलते कि मेरा बच्चा बहुत मस्ती करता है, तो उन्होंने सीधा मुझे एक ही जवाब दिया था कि आपका बच्चे का नाम क्या है। मैंने अपने बच्चे का नाम बताया दीपक, और तो उन्होंने बोला कि आप कुंडली में देख लो वो रेवती नक्षत्र में दूसरे चरण में उसका जन्म हुआ होगा, ऐसे बच्चे लोग ऐसे होते हैं। मैंने उनको घर पे ड्रॉप करने के बाद सबसे पहला काम वही किया, मेरे घर पे गया सीधा मेरे बच्चे की पत्रिका निकाली, मैंने सीधा देखा तो सचमुच रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में ये उसका जन्म हुआ था। तो मुझे इतना विश्वास हो गया, जिस व्यक्ति को मैं पहली बार मिला हूँ जो मेरे बारे में कुछ जानता नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, सिर्फ इतनी बात से उन्होंने वो चीज बता दी कि वो क्या है, इससे मुझे पता चला कि ज्योतिष के अंदर कितना कितनी सच्चाई है कि आदमी अगर सचमुच अगर उसको सही तरह से प्रेडिक्ट करते हैं तो वहाँ पे उसके जड़ तक जाके उनको सचमुच सही बता। तब से मुझे ऐसा लगा कि ज्योतिष सीखना चाहिए और मैं ज्योतिष में मैं आगे बढ़ा और उससे मैंने ज्ञान उनसे प्राप्त किया, साथ साथ में मैंने वास्तु को भी उनसे ज्ञान मैंने प्राप्त किया और बहुत अच्छा मैं उनसे सीखा हूँ। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भाई उनकी उम्र बहुत लंबी हो और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। ज्योतिष के बारे में इतनी बोल सकता हूँ कि ज्योतिष कई वर्षों कई हजारों वर्षों से प्राचीन है ना, एक ऐसी विद्या है जिसको जितनी पूर्णता से सीखा जा सके उतना ही कम है। और जैसा तो मेहता सर के जो मैं अनुभव करता हूँ, मैं हजारों क्लाइंटों को यहाँ से आते जाते देखता हूँ लेकिन कभी कोई निराशा नहीं। एक पल मतलब एक परामर्श आपके भाग्य को बदल सकता है, ज्योतिष में वो शक्ति है। और वास्तु आपको बैठे बैठे यहाँ से आपको वास्तु बताने वाले मेहता सर का कई अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेहता सर से मिलें, उनके संपर्क में रहें और अपने भाग्य को खिताब करें।